नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में यूपी हरियाणा मॉडल पर खुलेंगे कोचिंग। एक बेंच पर दो बच्चे, 6 फीट की दूरी, हर क्लास के बाद होगा सैनिटाइजेशन। जी हां, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बिहार में बहुत जल्द कोचिंग खोलने की इजाजत दी जा सकती है। शिक्षा विभाग अन्य राज्यों के मॉडल पर मंथन कर रहा है। प्रधान सचिव संजय कुमार की निगरानी में अन्य राज्यों के मॉडल पर अध्ययन चल रहा है। यूपी मॉडल की तर्ज पर यहाँ भी कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी थी। कोविड नियमों के अनुसार वहां बड़े हॉल में एक बेंच पर दो ही स्टूडेंट को बैठने की अनुमति दी गई है। 40 बच्चों के बीच में हर एक स्टूडेंट 6 गज की दूरी पर बैठ रहा है। इसके अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ के मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से कोचिंग खोलने की मांग की थी। वहीं दूसरी खबर, अभी नहीं खुलेंगे बिहार के स्कूल। शिक्षा मंत्री बोले, बच्चों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा, प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी बरसे। जी हां, बिहार में प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की इस मांग के सिरे से खारिज कर दिया है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। मंत्री ने उन स्कूलों पर भी बरसे जो सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ और फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकार स्कूलों में बच्चों को आने की इजाजत दे दे और कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार मानी जाएगी। सरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर, मांझी ने की शिक्षा मंत्री से स्कूल खोलने की मांग। गरीब बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। जी हां, कोरोना को लेकर 9 महीने से स्कूल बंदी है। इससे बच्चों की पढ़ाई को भी काफी नुकसान हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास ना तो मोबाइल है और ना ही ऑनलाइन क्लास करने का कोई साधन है। इसको लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बिहार सरकार के सरकारी स्कूल को खोलने की मांग की है। जीतनराम मांझी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सरकारी स्कूल खोलने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, नीतीश जी एवं अशोक चौधरी से अनुरोध है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए अब सरकारी विद्यालय को खोलने का निर्देश दे। विद्यालय बंद होने से सबसे अधिक गरीब के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अगली खबर RRB NTPC परीक्षा के अपडेट को लेकर है। जी हां, पहले चरण में 25 करोड़ में से 23 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जाने कब जारी होगा RRB NTPC एडमिट कार्ड। 28 दिसंबर से देश भर में आयोजित होने जा रही RRB NTPC भर्ती परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। पहले 28 दिसंबर से 23 जनवरी 2021 तक होगा, जिसमें करीब 23 लाख अभ्यर्थी CBT परीक्षा देंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने ताजा नोटिफिकेशन में कहा है कि रेलवे NTPC भर्ती के लिए करीब 25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को कई चरणों में कराया जाएगा। सभी योग्य अभ्यर्थियों को विभिन्न चरणों में CBT के लिए बुलाया जाएगा और सभी शेड्यूल के मुताबिक उन्हें सूचना भी दी जाएगी। NTPC भर्ती परीक्षा के जरिए 35,000 से ज्यादा पदों को भरा जाना है। रेलवे ने यह भी बताया कि NTPC CBT का एग्जाम सिटी, CBT डेट, शिफ्ट टाइमिंग एवं एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। गुरुवार को जारी नोटिस में कहा गया कि परीक्षा शहर, परीक्षा के डेट ट्रेवलिंग अथॉरिटी परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी। परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के कोर्ट में शिकायत दर्ज, जाने क्या है मामला। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के एक कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने यह मामला दर्ज कराया है। बुधवार को गया के सिविल कोर्ट में दाखिल परिवाद में रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसके कारण यह परिवाद दायर किया गया है। हाईकोर्ट का आदेश,
सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में मिले छूट, एक सप्ताह में उम्र छूट के बारे में फैसला। जी हां, हाईकोर्ट ने बीपीएससी को सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा में छात्रों को अवसर और उम्र सीमा में लाभ देने का निर्देश दिया है। जिस तरह से अभियोजना पदाधिकारियों की बहाली में उम्र सीमा में छूट देकर परीक्षा ली गई है, उसी तरह सिविल सेवा की परीक्षा में छूट दिए जाने पर विचार करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को दिया है। हालांकि कोर्ट ने आवेदकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आवेदकों को उम्र सीमा में छूट देने के बारे में विस्तृत अभिवादन बीपीएससी के अध्यक्ष को देने का आदेश दिया है। अभिवादन पर कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उम्र छूट देने के बारे में फैसला करने को कहा है। बिहार में करे डीएलएड कोर्स, नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 से। जी हां, डीएलएड कोर्स के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है। बिहार में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में नाम के लिए 21 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 16 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा कि कोरोना को लेकर 2 वर्षीय डीएलएड में नामांकन में देर हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन के लिए परीक्षा लेने पर असमर्थता व्यक्त की गई है, इसीलिए पूर्व की भांति 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राज्य में विपक्षी नेताओं के बाद अब शराब निर्माताओं की मांग, सीएम नीतीश तत्काल वापस ले शराबबंदी कानून। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस कानून के तहत जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग की है। वहीं विपक्ष के कई नेताओं के बाद अब शराब निर्माताओं ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून तत्काल वापस लेने की मांग की है। शराब निर्माता कंपनी के संगठन CIABC ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नियंत्रित तरीके से शराब बिक्री की व्यवस्था को लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही शराबबंदी को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक दल नेता अजीत शर्मा ने पूर्ण शराबबंदी को खत्म करने की वकालत की थी, वो भी तब जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर इन्होंने विधानसभा में शपथ ली थी। राम जानकी पाथ निर्माण अथला 6 घंटे में 18 जिलों को होगा फायदा। जी हां, मिथिला से अयोध्या के लिए बनने वाले राम जानकी पथ में सिवान जिले के 2 स्टेट हाईवे को शामिल किया गया है। HS-47 गोपालगंज मोड़ से लेकर मेहरोना तक और HS-73 वैशाखी से लेकर 22 कट्टा गांव तक 72 किलोमीटर का सड़क क्षेत्र जिले के परिधि में आएगा। इसे पथ का निर्माण नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। साल भर पूर्व इस मार्ग के जरूरत भर जमीन का सीमांकन कार्य पूरा हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन लगने के कारण कार्य ठप रहा और पुनः इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया है। HS-73 जो बैसाखी से 22 कट्टा गांव तक करीब 39 किलोमीटर जिले की सीमा में आता है, सड़क के दोनों ओर 5 प्रखंडों के 42 राजस्व गांवों के जमीन अधिग्रहण की जानी है। फर्जी तरीके से नौकरी पाए नियोजित शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी, निगरानी विभाग ने जांच के लिए मांगा प्रमाण पत्रों का फोल्डर। जी हां, शिक्षा विभाग ने निगरानी विभाग की जांच के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से 23 दिसंबर तक शेष बचे प्राथमिक व मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों का फोल्डर मांगा है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे पंचायती राज संस्था अंतर्गत प्राथमिक व मध्य विद्यालय में नियोजित हुए शिक्षकों की जांच के लिए बैठक करने की बात कही है। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, पंचायत नियोजन इकाई के सदस्य सचिव या पंचायत सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव या BDO और जिलों में निगरानी विभाग के प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक के बाद जांच से संबंधित शेष फोल्डर व मेगा सूची को निगरानी विभाग के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि फर्जी शिक्षकों की जांच के लिए एक मामला 2014 में ही पटना हाईकोर्ट में दर्ज किया गया था। इसके बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच की। जनवरी 2019 हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया था कि राज्य भर में करीब 1,10,410 शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं हुआ है।
बिहार में घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार, बालिक युवाओं को भी अलग से प्लॉट देने की तैयारी। हाँ, ऑपरेशन बसेरा के तहत बिहार सरकार भूमिहीनों यानी गृह विहीन रैयतों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन फ्री में मुहैया करा रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 70% भूमिहीनों को जमीन दे दी गई है। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के मुताबिक 67,809 परिवारों को 5 डिसमिल रहने योग्य जमीन दी गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक बिहार में अब 16,356 परिवारों को ही घर बनाने के लिए सरकार जमीन देगी। बिहार सरकार के नए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार राय ने शपथ ग्रहण के ठीक बाद ही कहा था कि ऑपरेशन बसारा के तहत सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन मुफ्त में मुहैया कराएगी। हो जाइए सावधान, कल से बिहार में बढ़ेगी ठंड, 3 से 4 डिग्री गिरेगा पारा। जी हाँ, उत्तर भारत में अब सर्दी का सितम दिखने लगा है। दिसंबर की ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम का मिजाज यहाँ तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी शुक्रवार से पटना समेत बिहार के कई इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का असर पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 दिसंबर के बाद से ही पटना सहित बिहार के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री से तापमान गिर सकती है, जिससे ठंड काफ़ी बढ़ सकती है। किसानों के समर्थन में जाप का अनिश्चितकालीन धरना, सब्जियों के साथ पप्पू यादव ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के आम लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अंबानी और अडानी से मतलब है। आज हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का नहीं पड़ता है। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय पप्पू यादव ने कही। वे बड़ी पहाड़ी बाईपास पटना में पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उग्रवादी और आतंकवादी कहना बंद करे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत का हमारा प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। अनिश्चितकालीन धरना के बारे में जाप अध्यक्ष ने कहा कि हम या तो लड़ेंगे या मरेंगे, यह जंग हम बिहार के किसानों की आवाज बनकर ही जीतेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे, तब तक हमारे पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहेगा। बड़ी अपडेट, घरों और दुकानों पर लगेंगे QR कोड, कचरा उठते ही आएगा मैसेज, तुरंत दर्ज कर सकेंगे शिकायत। जी हां, पटना नगर निगम क्षेत्र के निजी घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। बुधवार को निगम के पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय में मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर मीरा देवी की उपस्थिति में योजना को शुरू की गई। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड यह काम करेगा। इस योजना को 4 माह में पूरा किया जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि वार्ड करीब 2.5 लाख आवास व अन्य परिसर की दीवार पर QR कोड लगाए जाएंगे। और अंत में बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण के रफ्तार अब धीमी हो गए हैं। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 588 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,45,398 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,103 कोरोना के एक्टिव मरीज है। और आज के लिए आपका सवाल, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।